नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कैथल में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने में बाज नहीं आते, यानी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। दबंगों ने पहले एक बस्ती के अंदर घुसकर महिला से छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उत्पात मचाया। गंडाशियों व लाठियों से तोड़फोड़ की व आधा दर्जन से ज़्यादा लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने अभी तक कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। पलपल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। घर में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ करने और पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने के विरोध में सुगर मिल कॉलोनी निवासियों ने यहां करनाल रोड स्थित एसपी निवास के बाहर इकट्ठा हुए। उनका आरोप था कि कुछ दबंगों ने उनकी बस्ती में आकर के उनकी महिलाओं से छेड़छाड़ की और मना करने पर उन पर हमला बोल दिया। इस हमले में महिलाओं व बच्चों सहित लगभग आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। आप देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। अच्छा क्या नाम आपका? विशाल। विशाल क्या हुआ था? वो ऐसे था सर, यहाँ पे शाद में प्रोस में प्रोग्राम था समारोह का, तो उनकी मतलब कि शराबी हमारे घर बढ़ गया। घर बढ़ गया तो हमने उसको पकड़ा और उसको बुलाने गए, भाई तुम्हारा शराबी यहाँ पे आ गया ना। उन्होंने पूछा ना करा, तोड़ फोड़ कर दी सारी, फायरिंग भी करी और गंडासियाँ भी चलाई है। तो चोटें भी लगी है? हाँ, चोटें भी लगी है और सारी घर के गेट वगैरह सब तोड़ दिए हैं। जिनके घर से लोग आए, क्या नाम है उनका, कौन कौन लोग हैं? उनका एक का नाम तो ये काश है, एक का नाम पोपल है, एक का नाम जी पोपल है जी। दोनों लड़के हैं जी। नाम क्या है? बाप का नाम करमवीर है जी। जात चमार है,
अरे पुलिस में गए थे, क्या हुआ? पुलिस में सर सुबह गए थे तो कोई सुनवाई नहीं, उसके बाद गए तो सुनवाई हुई, तो फिर सोमवार का बोला, तो जब यहाँ पे घर गए, घर पे आए तो फिर दोबारा से धमकी दी उन्होंने, भाई पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते। कोई डर है आपको? इस टाइम पे डर तो है जी, मतलब के बोलना तो है उन्होंने, अभी भरोसा तो नहीं है ना उनके ऊपर, भाई क्या करेंगे कि नहीं, अभी तो वो आए नहीं, आएंगे तो उसके बाद बात होगी ना क्या करेंगे। तो कहाँ गए हुए हैं लोग? वो अभी वो शादी में गए हुए हैं, उसके लड़के की शादी। क्या नंबर आपका मोबाइल नंबर? मेरा नंबर है 74049555352। हाथ हमला हुआ है कहाँ पे? ये शुगर मिल के सामने कितने करे? ये मतलब बाहर के पड़ोसी है, मतलब पुलिस में है। अच्छा, वो रिटायर है। अच्छा, उनका लड़के का ब्याह था। अच्छा, उनके शराबियों ने सारा हमारे हमला कराया है। अच्छा, फिर जो पुलिस ने हमारी कोई सुनाया नहीं, सारे कमरे तोड़ फोड़ रखे हमारे करीब, और हम ये कहते हैं हमारा इंसाफ होगा। हाँ जी, मिलेगी सीधे यहाँ अभी मिले थे, थोड़े आके आप चलो हम कार्रवाई करेंगे। कोई नहीं मिले। कहाँ से रहने वाले हो? मिलने के दिन शुगर मिल से, ऐसे कहते हैं बाहर चले। शुगर मिल, क्या नाम आपका? मेरा नाम गिरधारी है। मोबाइल नंबर बोलिए। मोबाइल नंबर तो जी बहुत जी 8905098725। क्या नाम आपका? कांता मेरा नाम। हाँ जी बताओ, क्या हो गया था? रात को 11:30 बजे का टाइम था, इनका कोई मेहमान आ रहा था, दारू से टल्ली था, हमारी बहू छोड़ी थी, उसके ऊपर आकर गिट्टी दुबाने की कोशिश करे, हमारी एक बुढ़िया गई इनको कहने नु कि तुम्हारे मेहमान आए अपने को ले जाओ, ये वहीं से डंडे पर साड़े आगे खुद। कौन है ये? ये चुमार है जात के, और पुलिस से लटेर हो रहे हैं ये। अच्छा। और उसकी धमकी देते हम, मेरा बाप पुलिस वाला है। तो आइए, कौन सी कॉलोनी है ये? शुगर मिल कॉलोनी है। तो कोई चोर चाट मारी है किसी को? हाँ जी, कितने? एक जने का सिर फट रहा है, एक जने की कमर पे है, किसी की छाती पे लग रही है चोट, सबको लग रही है चोटे। पुलिस में गए हो? हाँ जी। क्या कर रही है पुलिस? रात आई थी पुलिस, उन्होंने कहा जाओ जो मेडिकल करवाओ, वहाँ गए सरकारी हॉस्पिटल में, तो हमारी कुछ सुनाई नहीं है। वो मैडम बोली 12 बजे रात हो गई है, हमारा कोई मतबल नहीं, मतलब हमारे बंदे मर जाए यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आए तो फिर कह जाओ जो थम जाओ। सुबह उठा वाली चौकी में गए, वहाँ भी कोई सुनाई नहीं है। 100 बार बात करेंगे 100 बार बात करेंगे 100 बार तो हमारी पब्लिक मर जाएगी इतनी। ये तो ये आने वाली है इनकी बरात, डीजे बाजेगा सारे इधर आ जाएंगे, डंडे उठा के ये तो इनका नाम क्या? दूसरी पार्टी का? इनके नाम रणवीर बाप का नाम। अच्छा, लड़कों का नाम क्या है? दोनों का नाम मम्मी का नाम उनकी, उन्होंने हमला किया। हाँ जी, उन्होंने किया हमला, उनका बंदा आया था हमारे घर आके बड़ा था, और ये और उनके साथ उनके मेहमान थे सारे, सारे उनके लड़के मेहमान थे सारे, सारे 50 बंदे 60 बंदे हमारे घर हमला कर दिया। ये बुढ़िया कह रही थी। क्या नाम आपका? मंगली। हाँ, क्या हो गया बताओ? मैं घर गई थी, मैं तो आपका लड़का अंदर आ गई, मेरी बहू आई है, इसके बिट्टी बहुत बालिया को ले गया, वो देखो कान फाड़ रखे उसके। अच्छा, फिर मैं बाहर निकली, जब इन्होंने सोचा भाई आगे जाके किसी को बोल देंगे, मेरे को यहीं से पकड़ लिया इन्होंने, डंडे से पीट लिया। नीलम, क्या हुआ था रात? रात को जी एक सराफी आया था, वो हम सोए पड़े थे बच्चों के साथ, और ऊपर आके चढ़ गया और गट्टी पीछे गया और बालिया भी खोज के ले गया। कौन है शराबी, कहाँ का रहने वाला है? ये इनका पड़ोसी आया था, कल शादी थी ना, डीजे लगे थे इसलिए वो साथ आए थे। तो आपके ऊपर हमला हुआ है? हाँ जी। रिपोर्ट दिखाई? हाँ जी, सुबह के बाद लग रहे हैं जी, भूखे प्यासे कोई सुनाई नहीं हुई हमारी, देख जा रहे हैं। क्या नाम आपका? नीलम। क्या सर? राम कुमार। जी बताओ, क्या बैठ रहे? ये शुगर मिल कॉलोनी में रहते हैं, दखौत बरादरी के। रात ने इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ, कोई शादी थी वहाँ, उसमें उन्होंने बता रहे हो इनको चोट मारी, तो सुबह ये एप्लीकेशन देख रहे थे, उसी टाइम पुलिस मौके पर पहुँच गई थी, इनका सारा वहाँ निरीक्षण किया था, वो दूसरी पार्टी उस बरात में गए हुए हैं, उसी टाइम कह दिया ना जिस टाइम आएंगे उसी टाइम इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देख किसी के बहकाव में आकर यहाँ आ गए, कोई ऐसी बात नहीं है, मिलने पर पूरी इनकी संतुष्टि करवाई जाएगी। नहीं, पुलिस